दोस्तों उत्तर प्रदेश में चुनाव है और खासकर अगर महिलाओं की बात करें, महिला जो घर संभालती है, महिला जो बच्चे संभालती है, महिला जो पूरा परिवार चलाती है, आखिरकार महिलाओं की बात करें, महिला इस बार क्या सोचकर वोट डालेगी और महिलाओं की समस्याएं क्या हैं, महिला इस समय क्या सोच रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव उधर से ताल ठोक रहे, इधर योगी आदित्यनाथ। अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आरएलडी का भी एक अपना समीकरण है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। हम कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, सीधा महिलाओं से बात करते हैं कि महिला इस बार क्या सोचकर वोट डालने वाली है। अम्मा क्या नाम है? किरण। अम्मा नेता आ रहे हैं, चुनाव का समय आ गया, इस बार क्या सोचकर आप वोट करने वाली हैं? हम मोदी को योगी को करेंगे, हम तो जो भी सपोर्ट करेंगे। मोदी को योगी को, ऐसा क्यों आपको लगता है कि मोदी और योगी है आपको? अगर मोदी योगी है तो देश बच रहा। अच्छा। और ये गए तो देश खत्म। हिंदू तो गए सारे। अच्छा। फिर नहीं कहीं कुछ भी। हाँ। कहीं कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि इस उसमें सबके मतलब सुनाई हो, सब कहेंगी कोई भी कुछ करो। और अखिलेश के उसमें अगर किसी ने कोई मार भी दिया ना रोड पे, तो रिपोर्ट तक की नहीं लिखी गई। लेकिन आरएलडी के साथ तो गठबंधन हुआ, आपका क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसमें तो उन्होंने आरएलडी के साथ गठबंधन किया, तो बस जो करा। पर अब हमें तो मोदी की सरकार अच्छी लग रही है। मोदी की सरकार अच्छी लगती है। अच्छा, अखिलेश यादव की बात करें और योगी आदित्यनाथ की बात करें, दोनों की सरकारें आपने देखी, कांग्रेस की भी देखी, क्या अंतर रहा इन सरकारों में? भाई अंतर ये रहा, देखो थोड़ा सा ये तो कमी है इसमें कि जो भी मतलब वैसे हैं व्यापारियों को तो इसमें फायदा ही फायदा। अच्छा। वो थोड़ा सा रोजगार में कमी है, नहीं बाकी सब बढ़िया हो रहा। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें अम्मा, तो कैसी रही? घनी बढ़िया रहेगा, अगर महिलाओं को कुछ काम मिल जाए, घर में बैठी हुई कुछ कर ले तो अच्छी बात है। सुरक्षा तो यही होनी चाहिए, सुरक्षा बहुत अच्छी है। हाँ। योगी जी की सुरक्षा बहुत अच्छी है, उनके कारण सब बाहर भी निकल रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। चोरों का भी वो नहीं है, सब ऐसे ही सो जावे, नहीं तो चोरों तक भी बहुत परेशानी थी, यहाँ चोर आ रहे वहाँ चोर आ रहे, दिक्कत ही दिक्कत थी। जब से योगी सरकार आई तो बहुत अच्छा है। जो राम को लाए है हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। आपने तो गाना गा दिया। अच्छा, वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीता शर्मा है। शर्मा जी है, गीता जी ये बताइए, आपने गा दिया जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसा क्यों लगता है कि राम को लाए हैं उन्हीं को लाना चाहिए? हाँ, उन्हीं को ही लाना चाहिए। आज तक राम को वे लाए, योद्धा में जो मंदिर बना उन्होंने ही बनाया, उनके कारण ही बना, किसी सरकार ने नहीं बना। तो हमें अच्छा लगता है। अच्छा, मंदिर एक अहम मुद्दा होगा? नहीं, मुद्दा नहीं है, हमें मोदी की सरकार अच्छी लगती है। अच्छा। हाँ। अच्छे काम कर रही है वो। काम अच्छा है, रोड भी अच्छे बनवा दिए, और देखो एक जहाँ तक है औरतों को भी उन्होंने आगे का बढ़ावा दे दिया हर चीज में, हर चीज में। एक बात कही जाती है कि जब से योगी जी आए, बाबा आए, तो महिलाओं को आगे कर दिया, पुरुषों को पीछे कर दिया। तभी तो अपने हक के लिए लड़ रही है आज महिलाएं। हाँ, राशन कार्ड में महिला का नाम, मकान में महिला का नाम, बिजली में महिला का नाम, हर चीज में महिला का नाम। महिला को ऐसा नहीं कह सकते घर से निकल के चली जाओ तुम, तो महिला अपनी पावर, महिला को पावर दे दी इतनी सरकार ने, तो महिला तो सरकार की, योगी सरकार की साथ ही रहेंगी। तो पुरुष तो डरने लगे हैं अब। पुरुष डरो या कुछ भी करो, हमें अपने से मतलब है, पुरुष हमें कुछ नहीं कहेंगे, ना हम पुरुष को। पुरुष जहाँ अपनी वोट डालना चाहे वहाँ डाल सकते हैं, वो उनका अधिकार है। जहाँ हमारा अधिकार है वो हम अपनी वोट डालेंगे। तो आपका अधिकार क्या कहता है इस बार? हमारा अधिकार तो योगी जी को वोट देंगे। योगी जी को बात? हाँ जी, 100%। अखिलेश को क्यों नहीं देंगे आप? अखिलेश अच्छा नेता नहीं है, युवा नेता जरूर है लेकिन अच्छा नहीं है, अच्छे काम नहीं किए उसने। पीठ पीछे करते हैं, जो भी करते हैं पीठ पीछे, सामने से कुछ नहीं करा, पीठ पीछे करा उन्होंने। यादव भर्ती कर दी, यादव यादव की भर्ती कर दी, जब भर्ती हुई कैसा होता है इसमें, हर हर जो हर बिरादरी है सब भर्ती हो रहे हैं, भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है। जो बच्चा पढ़ रहा वही भर्ती में जा रहा, जो बच्चा पढ़ रहा वही भर्ती में जा रहा है। क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष नाम है, संतोष तो लड़कों का भी नाम होता है। और तो आपको लोग बहुत कहते होंगे कि कभी कभी बचपन में चिढ़ाते रहो। अच्छा, मत अम्मा ये बताइए कि चुनाव में क्या होगा? चुनाव में मोदी की जीत होगी, और मोदी के पीछे हैं हम तो, और मोदी ने वो काम किया है जो आज तक किसी भी नेता ने, जिस दिन तक पैदा हुए हम देख कर, किसी ने नहीं करा, किसी ने नहीं किया, नहीं करा, नहीं करा। चिल्लाइए मत प्लीज, सब कुछ शांत रहिए, बिल्कुल नहीं करा। अच्छा, औरतों के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था, ये औरतों के, औरतें आगे करा की मर्द पीछे जा रहे।
आपने तो बहुत सारा समय देख लिया, आपने तो क्या अंतर दिखा? सर पहले लोगों को, औरतों को पैरों की जूती समझा जाता था, और अब औरतें बराबरी का हक ले रही हैं, ना तो मर्द कोई पीछे है ना कोई औरत पीछे है, अब बराबर का हक मिला हुआ है हमें सबको। लेकिन प्रियंका गांधी मैदान में है, कहते हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो भी महिलाओं को लेकर वोट मांगे। प्रियंका गांधी की दादी भी तो महिला थी, उन्होंने क्या किया औरतों के लिए? बोलो औरतों के लिए क्या करा उन्होंने? किया क्या बताओ? प्रियंका गांधी की दादी भी तो औरत ही थी, बोलो कितने दिन की बात होगी, 70 साल के सत्ता संभाल ली उन्होंने, बताओ क्या करा? से शादी करके उन्होंने जब भी बताओ क्या करा उन्होंने, आप लोग बताओ क्या करा उन्होंने औरतों के लिए? जनता है, आप तो देख रही हैं, आपने इतना समय देखा, समाज देखा, हमें पता ना, तो हमारे लिए जो अच्छा काम करेगा हम उसको वोटिंग करेंगे। अच्छा, हमारे लिए मोदी जी योगी जी सबसे अच्छा, हमारा बराबर का दर्जा हमें दे रखा है, तो हम उसी के लिए काम करेंगे। आपसे पूछना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ की 4.5 साल से ऊपर सरकार रही तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी? सुविधाओं की बात करें, क्योंकि आप योगी को वोट देने की बात कर रही हैं। सुनो, 1 साल तो भर हो गया, किसी ने अनाज का दाना खरीद के नहीं देखा। अच्छा। क्योंकि पूरी साल हो जाएगी अब मार्च, अप्रैल उसके मार्च तक पूरा का पूरा अनाज योगी सरकार दे रहा है सबको खाने को। कोई भी भाई भूखा, भाई बहन कोई भी भूखा नहीं रहा पूरे देश में। ताकि जैसे कोरोना जैसी बीमारी आ गई थी, इससे घर के सबके चूल्हे बंद हो गए थे, हर बंदे को खाने को अनाज मिला, हर बंदे को मिला। मेरे पे नाता ही आई देगी, मेरे नाम महीने में दो बार बोल। हाँ, महीने में दो बार देने लग रहा मोगी। दो बार राशन मिल रहा है? कितना 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 यूनिट मिल रहा है? मार तो अगर यू आवे एक मन ना जावे दोनों का 40 किलो। हाँ, 5 किलो अनाज देता है, तब तो बेच भी लेते होंगे लोग। अपना काम करेंगे, हम बेचेंगे नहीं उसका अनाज, अपना खाएंगे, हमारे डंगर उन्हें खिला देंगे, पर बेचेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं, बेचेंगे। मतलब अच्छा, आवाज की बात करें, आवाज किसको किसको, क्योंकि आवाज तो बहुत बन गया है, गैस सिलेंडर है, आप लोगों को मिला? हाँ, सिलेंडर मिला जी। अच्छा, उज्ज्वला कनेक्शन मिल रहा है मेरी सास को। हाँ जी, अम्मा एक बात ये बताइए, RLD भी है तो RLD जिस तरह से जयंत चौधरी भी मैदान में है, तो क्या देखती हैं आप? जयंत चौधरी जीत रहे हैं क्या, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें? कोई नहीं जीतता है। अच्छा, यही जीतेंगे बिल्कुल पक्का पक्का। जो जो पशु हंडे थे ना, वे भी कटे जाते हैं, वे भी निकट रहे सब अपनी आजादी तो घूम रही। अच्छा, पशुओं की बहुत। क्या नाम है आपका? आरती। आरती जी, क्या होगा इस बार चुनाव में? चुनाव में मोदी के जिताएंगे, मोदी गरीब का सबको ध्यान करती है, गैस चूल्हा बढ़िया गरीब का की सबको देती है। आपको सब सुविधाएं मिली है? हाँ जी, इसलिए योगी को लाएंगी। योगी और अखिलेश यादव तो कह रहे 402 आ रही, तो ऐसा है क्या कि 402 आ रही? नहीं जी, हम तो मोदी की ही देंगे, मोदी को देंगे। हाँ, मोदी का गरीब का खूब ध्यान करती है, जिनकी मोदी कोरोना ये वो सब गरीब का की बहुत आशा करती है। अच्छा, सहायता करते हैं। यहाँ पर और तरी बहुत सारी महिलाएं, क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता जी, क्या होगा चुनाव में इस बार? मोदी और योगी को वोट देंगे। क्यों? मोदी योगी के सब मोदी योगी वाले फैन हैं। वो अच्छे काम कर रहे हैं, राशन भी और ये सिलेंडर, हर नारियों के बारे में, औरतों के लिए बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, ठीक कर रहे हैं, जो है अच्छा है। तो महिलाओं को आगे कर दिया, महिलाएं सब योगी, जो महिलाओं के बारे में कोई भी बोलेगा उसी के लिए सब महिला साथ देने के लिए सब तैयार है। प्रियंका गांधी भी तो मैदान में, वो भी तो कहती है, नहीं जानते उन्हें, उनका हमें कितनी बड़ी नेता है वो, कोई किया कुछ नहीं। नेता कितना भी बड़ा हो, जो पब्लिक के लिए कुछ नहीं करेगा तो उसे कोई नहीं जानेगा, कभी नहीं कुछ वो खड़ी करी गई है मैदान में। अच्छा, सिर्फ इसलिए कि महिला वोट दे देंगी ने दादी का, वो समझ के, लेकिन वो बात नहीं है। लेकिन वो तो महिलाओं को टिकट भी दे रही है कि कुछ भी दे रही हो चाहे, लेकिन वो बात नहीं आने की। क्या कह रहे हैं आप, कुछ कहना? कहने मतलब करने, कहने से पहले करके दिखाओ, पहले जो काम हमें करना वो मतलब कहना है, वो पहले कहने से पहले हमें काम को करो। अच्छा, जी तभी वोट मिल सके, इससे पहले कोई वोट नहीं मिलेगी किसी को, जाएगी योगी के पास, जाएगी योगी बाबा के पास। हाँ। क्या नाम है आपका? प्रभा शर्मा। क्यों प्रभा जी, क्या होगा चुनाव में? वही होगा जब मंजूर है खुदा है, वही होगा मंजूर है। मतलब राकेश योगी है, फिर आप बोलोगे कि सब योगी के योगी के योगी के। देखो जो अच्छा इंसान है उसे ही कहा जाता है। अखिलेश भी अच्छा, ये नहीं कहते अखिलेश नहीं अच्छा, अखिलेश भी अच्छा है, पर जो काम मोदी ने करा है, योगी ने करा, वो करा किसी ने आज तक? कांग्रेस इतने साल रही है, क्या करा कांग्रेस ने? दुनिया भूखी मर गई, 1972 में कितनी बाढ़ आई थी, सब भूखे मरे थे, नहीं मरे थे? और अब 2 साल से योगी ने क्या कर रखा है? सबको अनाज मिल रहा है, भरपेट खाना मिल रहा है, और क्या चाहिए? ना कोई भूखा सोता, ना कोई भूखा उठता,
और इससे ज्यादा क्या करेंगे बताओ। तो पब्लिक क्या चाहती है, अच्छा इंसान रहे, चाहे अखिलेश हो, मोदी हो, योगी हो, कोई भी हो, पर अच्छा हो, है नी। अखिलेश जी अच्छे नहीं है? नहीं, मैंने नहीं कहा अखिलेश जी बुरे हैं, मैंने कहा अखिलेश जी भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, जो अच्छा सोचे वो अच्छा, जो बुरा सोचे वो बुरा। तो वोट बस को देंगे, फाइनल वोट है। वोट तो जब दे देंगे, जब बताएंगे, अभी बता के क्या बताएं। अच्छा, हाँ बस, हाँ। क्या नाम है आपका? सुधा। सुधा जी, क्या होगा चुनाव में? जो सबके साथ है, जो सब देंगे उनके साथ ही रहेंगे, मतलब सब महिला महिला के साथ है। हाँ, महिला महिला के साथ है, आप बहुत सारी महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? जी बबीता। बबीता जी, क्या होगा चुनाव में इस बार? भैया यही लगता है मैं तो कि योगी ही आना है, जैसे अभी काम अच्छा कर रहा है तो आने वाले टाइम में भी बढ़िया करेगा। अच्छा, आपको लगता है कि योगी को लाना चाहिए दोबारा? यूँ लगता है कि अब से पहले भी कांग्रेस थी, जो काम अब सब लोगों की नजरों में आ रहा है ना, तो अब से पहले किसी भी आदमियों ने इस बात की चर्चा नहीं की है कि उन्होंने चेक कैसे भी कर रहे हैं, मगर वो काम अच्छा करके दिखा रहे हैं। काम अच्छा हुआ है, काम अच्छा हो रहा है, तो इसीलिए उनकी वाहवाही हो रही है। काम अच्छा हो रहा है, ये तो कहने कहने के हैं। अब हम यो करेंगे, हम यो करेंगे, हम यो करेंगे। कितने कितने साल होगी, कितने साल होगी निर्माण हुआ तो नहीं मंदिर का? अच्छा, हुआ नहीं हुआ? और कब का करवा देंगे, आपका करवा देंगे, हर फेर जीत जाते, करवाया कुछ नहीं, अब उन्होंने करवा के दिखाया, कराया नहीं, करा ऐसे ही बॉर्डर पर हुआ, पब्लिक मरी, किसी ने कुछ नहीं करा। अच्छा, और इन्होंने गैप की गैप जवाब दिया। अम्मा एक बात ये भी तो है कि एक बात ये भी तो है, अखिलेश यादव परशुराम की मूर्ति बनवा रहे हैं, परशुराम भगवान की। हाँ तो ये तो अब हिरस कर रहे ना, वो तो अब हिरस में लग रहे, वो हिरस कर रहे देख के। अब तुम भी यो करो तो यो हो जाएगा, लेकिन जो करके दिखा मैं ना, चीटिंग करनी ठीक नहीं होती। अपने दिमाग से अगर करोगे तो वो काम सही है, वो अपने दिमाग से कर रहे सब काम। देखने के जिस सही न करी, अब तू भी इसी काम को कर, मतलब अपने उस मन तो नहीं कर रहा, वो उसी उस कर रहा, वो अके कर रहा, तो इस काम को तू कर। अम्मा क्या नाम है मेरा? राज के लिए। अच्छा अम्मा, क्या होगा चुनाव में, किसको जिताएंगे इस बार? मोदी, योगी, अच्छा चाहे कहीं को वाले, बस। मोदी योगी क्यों? मोदी ने सब कुछ करा। अच्छा, और अखिलेश यादव पीछे गए लो, आप जाइए थोड़ा आपसे बात करनी है। अखिलेश यादव क्यों नहीं? हमें काम ही नहीं, उस पर काम ही नहीं है, मालूम गन्ना बोवे, गेहूँ बोवे, बढ़िया जा रहे, टेम पर गांडा जा रहे। अच्छा, और हमें क्या चाहिए, कोई नौकरी तो मार लगवावे नहीं। नौकरी क्या लगवाएगा अब, जो नौकरी लगनी थी लग गई, मस्त नौकरी तो मारी आई है, अब मोदी और योगी सफल हो जाओ। अच्छा अम्मा एक बात ही बताइए कि आपने बहुत सारी सरकारें देखी हैं, कांग्रेस को देखा, समाजवादी पार्टी को देखा, 90 साल की उम्र वाली सब देखी, 90 साल उम्र, 90 साल की उम्र है आपकी, इतनी सरकारें देखी, तो आपको योगी ही क्यों पसंद आया कि भाई योगी को अब दोबारा लाना चाहिए? बड़ा नहीं ना, ना नहीं बेचारा आजाद है, पर जाके खतर कर रहा, जो कर रहा, बुड्ढों की सहायता कर रहा, पेंशन बंधवा दी है, कोटा बंटवा रहा, तो ये ना बेटे रोटी ने तो योगी तो दे ही रहा, बेटे नहीं देगा योगी तो दे रहा। अम्मा एक बात कही जाती है कि योगी है, संत है, महंत है, इनको मंदिर में रहना चाहिए, ये क्यों सत्ता में है? वे सब की सख्ता मनु है, अपना अपना मोह माया तो है नहीं किसी का। अच्छा। तो प्रजा का है, प्रजा का है, उसे जो करेगा प्रजा की लिया करेगा। अच्छा। तो बढ़िया तो है योगी, घना बढ़िया, घना बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा, बोलो योगी की जय, योगी की जय, जो कह जाए पारस का चिंता मत मानो, पार उतरेगी, मोदी योगी जीतने हैं। हाँ, अच्छा एक बात मैं पूछता हूँ, एक चीज पूछ लेता हूँ आपसे आखिरी, कि प्रियंका गांधी भी मैदान में, आपने इंदिरा गांधी को भी देखा होगा, उनकी नातन है तो वो भी तो महिलाओं को लेकर खड़ी हैं। योगी साहब ने उन्हें तो मुसलमान ने की गलिच्छा कर लिया था, उन्हें तो उसका रुख है। अच्छा। हम क्या उनमें मिले हैं कोई? हम नहीं मिले, हम तो अपने नेम पर रहेंगे। अच्छा, चाहे योगी दो टाइम की, एक टाइम दो, पर हम उसके पीछे रहेंगे। मतलब दो टाइम की जगह एक बार भी खाना दे, फिर भी एक दिन भी उसकी जल रही, इतना प्रेम का है, इतना ही प्रेम है, इतना प्रेम है। हाँ। पर कुछ और लोग हैं, देखिए ही चले जाते हैं लोग जब पूछने लगते हैं। अच्छा एक बात आपसे पूछता हूँ कि अभी जो किसान निधि आई है, जो पैसे आए, किस किस खाते में आए? सबके खाते में, जिसके 5 बीघे 6 बीघे जमीन है सबके खाते में आए। आपके पास आए? हमारे पास तो जमीन नहीं है, हमारे जमीन है,
2 साल से है रे, 2004 महीने में, एक साल में 12,000 रुपया हुए। तो फिर तो मौज है सबकी। विधवाओं की पेंशन डबल कर दी, 1,000 रुपए महीना आवेगा। बके कहा था हमारी पेंशन नहीं बन थी, हमारी बुढ़ापे की बन रही। बुढ़ापे की पेंशन। हाँ तो दोस्तों समझ सकते हो कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ये महिलाएं हैं, क्योंकि बहुत संकुचित भाव है इनका, बहुत ही आसान शब्दों में समझा देती हैं, क्योंकि अगर महिलाओं की बात करें इनको बहुत सारा समाज देखना है, घर देखना है, बहुत सारा सब कुछ देखना है। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं ने जो बात की संकुचित भाव में अंदर से थोड़ा दब कर कि आपको समझा सके। मतलब मैं बोल दूंगी, अरे 90 साल की होली और क्या, कोई गोली गोली काट दो मेरे माँ को। मैं सारे नेता को इकट्ठा कर लिया, बात यही रहेगी मेरी जुबान पे, बात यही रहेगी, यही रहेगी। संकुचित हटा दीजिए, बहुत खुल के कह दीजिए। तो खुल के महिलाओं ने अपने बयान दिए, और आज जिस तरह से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बहरहाल अब योगी आदित्यनाथ को लेकर जो महिलाओं के बीच में क्रेज है, महिलाओं के बीच में जो इनका एक, अगर बात करें इनका एक फैन फॉलोइंग है, वो अपने आप में एक बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें, योगी आदित्यनाथ की फैन फॉलोइंग की बात करें, तो महिलाओं के बीच में काफी है मोदी और योगी की फैन फॉलोइंग। इसीलिए अगर हम बात करें 2014 का इलेक्शन हो, 2017 का इलेक्शन हो, 2019 का इलेक्शन हो, महिलाओं ने इन सरकारों को लाया है। बहरहाल बने रहिए द न्यूज़ पेपर के साथ, मैं हूं राजवीर शाह। जय हिंद।